फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकोस लाइफलाइन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो छोटे बच्चों को जन्म गुटी टॉनिक वगैरह या इसके अलावा जो ग्रेप वाटर जो होता है ये देना कैसा है, इस ताल्लुक से मैं बहुत ही अहम जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जब जो हेल्थ एक्सपर्ट है और जो पेडिशन है, जो बच्चों के माहिर हैं, जो बच्चों की बीमारियों के माहिर डॉक्टर होते हैं, तो उनका मानना है यानी 6 महीने तक बच्चों को, पैदाइश से 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना ही सबसे बेहतरीन जो है उसकी खुराक है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 6 महीने के दरमियान में पानी भी मना किया जाता है। इसीलिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि माँ का दूध ये दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन गिजा है बच्चों के लिए, उसमें दुनिया की सारी अच्छाई भरे। और ऐसा हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि माँ के दूध की बराबरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर सकती, वो बेहतरीन एक बेहतरीन गिजा है बच्चे के लिए। इसलिए जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं दोस्तों, वो हेल्दी वेल्दी रहते हैं और बच्चे सेहतमंद रहते हैं। तो माँ का दूध ही बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, एक बात आप याद रखिए। लेकिन हेल्थ वर्कर्स या जो पेडियाट्रिशियंस होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों की कमजोरियों को देखकर, जैसे कि कैल्शियम की कमी है या और प्रॉब्लम है या आयरन की प्रॉब्लम है, तो बच्चों को ड्रॉप की शक्ल के अंदर मल्टीविटामिन है, कैल्शियम के ड्रॉप है, आयरन के कुछ सप्लीमेंट है या आयरन के कुछ ड्रॉप है, आयरन की जो है तो दवाइयाँ हैं, तो ये बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पैदा होते से ही बच्चों को शहद चटाने का जो सिस्टम था, आज की रिसर्च के मुताबिक उसको बिल्कुल डॉक्टर ने मना किया है। आज के हिसाब से उसको बिल्कुल रिसर्च में बताया गया दोस्तों, वो बच्चों के लिए हानिकारक है। शहद बच्चों को चटाना पैदा होते बार ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग शहद चटाते हैं या शक्कर का पानी चटाते हैं या फिर बच्चों को जो तो किसी तरह के जायफल वगैरह को पीस कर दिया जाता है, ये सब सिस्टम सही नहीं है। रिसर्च के मुताबिक ये बच्चों के लिए हानिकारक है। बच्चों का इसकी वजह से डाइजेशन खराब हो सकता है, बच्चे को पतले जुलाब लग सकते हैं, बच्चे का हाजमा इसकी वजह से ख़राब हो सकता है। इसीलिए बेहतर है हम ये सब चीज़ें अवॉइड करें और बच्चों को अपने डाइटिशन से या भी पीडियाट्रिशियन से अच्छा हम जो है तो डाइट या फिर जो भी उसको क्या खिलाना क्या पिलाना है, हम 6 महीने के पहले जो बच्चे होते हैं उनको ना दें। उसके ऊपर एक क्लिप मैंने डिटेल में बनाया हुआ, जन्म गुट्टी कैसे बनाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, एक यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम के मुताबिक उसके जो फ़ायदे भी हैं, लेकिन वो बड़े बच्चों में देना है 6 महीने के ऊपर के, 8 महीने के ऊपर के, और किस अंदाज में देना उस पर ऑलरेडी क्लिप बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, जरूर देख लेना। ये क्लिप में आपको कोई कन्फ्यूजन है आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।